पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे हम पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग कैसे करते हैं? पहले हमको क्या लेना चाहिए? बात यह है कि कुछ तो सब्जेक्ट लेना चाहिए ना। सब्जेक्ट मतलब कितना बड़ा दुनिया है, पूरा इतना बड़ा दुनिया से हम किसी थीम को लेना है, वो फिर हमारा जो पेपर हुआ या कैनवास हुआ उसका एक साइज होता है, उसी साइज के अंदर हमको उसको सेटिंग करना है। ठीक है, अभी क्या है, पकड़ लो कि बहुत तरीके की तो पेंटिंग होता है। कोई रियलिस्टिक करता है, कंपोजिंग करता है रियलिस्टिक का, कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है, कोई सरियलिस्टिक करता है, अलग अलग तरीका की पेंटिंग होता है। कोई पोर्ट्रेट करता है, स्टिल लाइफ करता है। तो पहले जो करना है उसको एक पहले एक लेआउट बनाना पड़ता है, छोटा सा थंबनेल, इसको थंबनेल बोलते हैं, छोटा सा एक थंबनेल हमको बनाना पड़ता है। उसमें हम क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब सोच सोच के एक अच्छा हमारा अंदर का जो भाव है उसको निकालना है। कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है तो कोई सोचता है, सब्जेक्ट सोचता है, उसमें पेंटिंग में कुछ दिखाई पड़ता है अलग, और उसके अंदर इतना गहर मीनिंग है, उसको समझना चाहिए। तो पहले हम चलो बातें करते हैं शुरू शुरू से कैसे करते हैं, मतलब ये जो हमारा स्टार्टिंग से जो ड्राइंग करते हैं पहले, वो लाइन वगैरह 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 इस प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम फिर वही लाइन को लेके कैसे जोड़ते हैं कि सब्जेक्ट रख के उसको फिर एक पेंटिंग बनाना पड़ता है हमको। वही लाइन राउंड इस सब को लेके स्क्वायर उसको लेके ही हम लोग क्या पेंटिंग करते हैं ना। बात यह है कि उसके बाद हमारा आता है क्या, लाइट एंड शेड आता है, उसमें डायमेंशन वगैरह आता है, नहीं तो कैसे फील होगा। सपोज एक हम ग्लास बना रहे हैं, ग्लास गोल है और सिलेंडर है, टॉप से दिखने से कैसे राउंड दिखता है और फ्रंट से दिखने से वो सिलेंडर दिखता है, तो उसको हमें कैसे ड्राइंग करेंगे? ऐसे सोच के तो नहीं करना है, सोच सोच के तो नहीं करना है, स्टार्टिंग से लाइव स्टडी करना पड़ेगा। उसको सामने हम रखेंगे और रख के उसको हम ड्राइंग करेंगे। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, वही ग्लास एक लेता हूं, ठीक है, दिखाता हूं कैसे करते हैं। वो ग्लास ये देखिए, ये के हमारा के तांबा का ग्लास है, ठीक है,
तो उसको हम अगर ड्राइंग में बनाएंगे, उसको पहले देखो जहां जैसे बैठे हो, जहां पर जो बैठा है जैसे, तो उसके हिसाब से वो जैसे लाइन दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो उसी टाइप का करना है। पहले पेपर में पकड़ लो कि पेपर में कर रहे, तो पेपर में सेंटर को ये काम करना पड़ता है बीचे बीच, क्योंकि हमारा फोकल पॉइंट जहां है वहां से इसको हम शुरू करते हैं, ठीक। उसी हिसाब से हम लाइन खींचे, उसके बाद हम लोग को इसको कलर करना चालू किया। पहले सोचते और देखते हैं इसको अच्छी तरीका से, देखो ये एकदम कौन सा कलर आया है उसमें। जो पहले जो करता है उसको स्टार्टिंग से एक ही कलर लगेगा, क्यों कलर इसमें भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें बताऊंगा। ये जो कलर है ये ब्राउन दिख रहा है, जो ये जो कलर देखो ब्राउन दिख रहा है थोड़ा रेडिश, तो ये जो वेरिएशन जो जितना काम करेगा जितना नजर डालेगा वो धीरे धीरे इसको समझ जाएगा कलर वेरिएशन। क्योंकि कलर वेरिएशन इसमें कैसे आता है, क्यों आता है, ये तंबा करके कैसे फील होगा, कैसे क्या करने से ये तांबा मटेरियल लगेगा हमारा पेंटिंग में, नहीं तो कोई ब्राउन कलर अगर डाल दिया उसमें पूरे का पूरे वो फ्लैट ही लगेगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं नहीं रहेगा। वही हिसाब से हमको वेरिएशन देखो, कलर का वेरिएशन उसमें रहता है। क्यों, और एक चीज आता है उसमें, लाइटिंग आता है। लाइट लाइट कहां से आता है, उसका सोर्स किधर है, कहाँ के कहाँ कहाँ जाता है लाइट, किधर से आके कहाँ गिरता है, सब हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट के ऊपर कहाँ गिर रहा है, ये पहले हमको सोचना पड़ेगा। और ये मटेरियल एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, रिफ्लेक्शन करता है, बाउंसिंग लाइट गिरता है इसके ऊपर। देखो ये जो है, अभी देखो दोनों तरफ यहां से लाइट लगा हुआ है, घर के अंदर दोनों तरफ लाइट लगा हुआ है यहां पे, और कहां से कैसे लाइट गिर रहा है, बैकग्राउंड पीछे बैकग्राउंड है, उससे ये ऑब्जेक्ट ये ग्लास कैसे डिटैच होता है, ये पहले समझना चाहिए। और लाइट का जो शैडो गिरता है उसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है, ये वॉल्यूम फील देता है ये राउंड है या मटेरियल को क्या है, ये सारी चीज फील देता है। स्पेकुलर जो लाइट जो गिरता है ये टॉप का पर्सन, देखो ये यहां से ग्लास में के लंबा लाइन जो लाइट का यहां पर जो दिख रहा है वो क्या है, लाइट है, लाइट का एक पॉइंट है कितना, अभी हम इसको देखेंगे क्या है ये सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ ग्लास एक पेंटिंग बनाने से मजा आता है उसमें, देखो कितना बढ़िया करके रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू में जो हमारा ये मेन सब्जेक्ट हुआ, बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो रहता है उसका एक रिफ्लेक्शन आता है इसके ऊपर, क्योंकि ये शाइनिंग वाला एक मटेरियल है, तो समझ जाओ। उसके हिसाब से बहुत गौर से इसको नजर डालना पड़ता है, लाइटिंग का सोर्स ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक लाइट रहता है की लाइट रहता है, दूसरा एक फील
फील लाइट रहता है, तीसरा रिम लाइट एक रहता है। ये आगे क्लास को मैं बताऊंगा, इसमें पहले समझ जाओ कि ये जितना तुम लोग को दिख रहा है पहले इसको स्टडी करो और उसके बाद ड्राइंग चालू करो, समझो पहले सब्जेक्ट को, ठीक है? चालू करो, ठीक है।